दौर के मतदान के बाद और जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो गौर करने लायक है। कल तक कांग्रेस के नामदार कहते थे कि वो मोदी, मोदी के प्रभाव को और मोदी के ऑरा को, इस ऑरा से डरते हैं। अब वो खुलकर कहने लगे हैं कि वो मोदी से तब तक नहीं जीत सकते जब तक मोदी की मेहनत, मोदी की ईमानदारी और मोदी की भारत भक्ति पर दाग नहीं लगा सकते। उत्तर प्रदेश के साथियों, अब आपको समझ आ रहा होगा कि पिछले तीन साल से जो झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, रोज नए झूठ गढ़े जाते हैं, रोज मोदी पे कीचड़ उछाला जाता है। एक झूठ का पुलिंदा बना दिया, उसको राफेल नाम दे दिया और झूठ बोलते गए, जहां गए जितना जोर से बोल सकते हैं बोलते गए। इन्होंने अपने सारे दरबारियों, पूरे इकोसिस्टम को इसी काम में लगाया हुआ है। कल ही नामदार ने फिर स्वीकार किया है कि मोदी के खिलाफ पूरे अभियान का लक्ष्य हमारा एक ही है और कांग्रेस का लक्ष्य है मोदी की छवि खराब करना। मुझे पानी पी पी कर गालियां देने के बाद जब ये लोग मुझ तक नहीं पहुंच पाए तो अब मेरी छवि को कुचलना चाहते हैं। नामदार, कान खोल करके सुन लो, ये मोदी सोने की चमच लेके पैदा नहीं हुआ है। ये मोदी राज परिवार में पैदा नहीं हुआ है। ये मोदी भारत मां की धूल फाक फाक करके बड़ा हुआ है। ये मोदी 5 दशक तक बिना रुके, बिना थुके, कभी थके बिना एक निष्ठ, एक लक्ष्य, सिर्फ और सिर्फ भारत माता, उसके लिए जिया है, उसके लिए तपस्या करता रहा है। 5-50 इंटरव्यू देकर के, टीवी स्क्रीन पर आकर के गालियां देकर के 50 साल की मोदी की तपस्या को तुम धूल में नहीं मिला सकते। आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था, गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन चला था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में